अगर रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है तो जितना तेल अभी आप डालते हैं उससे धीरे धीरे कम कीजिए। हेलो शिमला, दिव्य हिमाचल की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं कविता सिंह आशा भंडारी के साथ लेकर आई हूँ शिमला शहर की कुछ चुनिंदा खबरें। तो आइए करते हैं शुरुआत। शिमला के टूटू में शरारती तत्वों ने आग के हवाले की 5 गाड़ियां। समर हिल चौक से रातों रात हटा दिए पोस्टर, वाम संगठनों ने मेयर का किया घेराव। पौधा जिंदा रहा तभी डिग्री मिलेगी। रिज पर अब घुड़सवारी के रेट तय होंगे, सैलानियों से लिया जाएगा सफाई शुल्क। धुंध के आगोश में शिमला, ठंड का सितम बढ़ा। शिमला के मौसम के कायल हुए सैलानी। फागली क्लब में सुविधाएं चाहिए तो एप्लीकेशन दे जनता। अब समाचार विस्तार से। शिमला के उपनगर टूटू में शरारती तत्वों ने जमकर कोहराम मचाया है। उन्होंने 3 बाइक व 2 गाड़ियों को आग लगा दी है। यह घटना गुरुवार देर रात पेश आई। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हम आपसे बात कर रहे थे, आपने सर यहाँ बोलता कि आप जाइए बेटा, आप जाइए, हम तो एक्शन लेंगे। ये तो करना एक्शन लिया मैडम, सिर्फ और सिर्फ एसएमआई के बोर्ड तोड़े गए मैम, साथ बाकी बोर्ड नहीं जवाब। वामपंथी संगठनों DYFI और SFI ने समर हिल चौक पर रातों रात होर्डिंग तोड़ने पर कड़ा रुख अपनाया है। इन संगठनों ने शहीद भगत सिंह व स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापना का कार्य शुरू न करने के विरोध में शिमला नगर निगम के मेयर का घेराव किया। उन्होंने मेयर को चेतावनी भी दी है कि अगर प्रशासन व निगम ने मूर्तियों के कार्यों को दरकिनार किया तो पूरे शहर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। इन संगठनों ने साफ कहा है कि 23 मार्च तक अगर मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं तो 24 घंटे का धरना नगर निगम दफ्तर पर दिया जाएगा। जब आए हैं मेयर साहब के पास, हम आप सीधे तौर पर इसमें घेराव करने आए हैं, और हम इसलिए घेराव करने आए हैं कि हम जो पिछले कल भी देखेंगे, हमने भगत सिंह और विवेकानंद जी की मूर्ति पर जो यहाँ पे बात रखी थी मेयर साहब के पास, पर ये जो भगत सिंह की मूर्ति पर है ये सीधे तौर पर इस पर राजनीति कर रहे हैं और भगत सिंह की मूर्ति को राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। और हम सीधे तौर पर इसमें विरोध कर रहे हैं कि पिछले कल मेयर, डिप्टी मेयर पूरी टीम के साथ वहाँ पे आते हैं और उस नगर निगम की जगह का मुआयना करते हैं, पर आप सब सोचिए कि वहाँ पे जो SFI के बोर्ड लगे हुए थे या जो एंगल एक लगा हुआ था, रातों रात नगर निगम की टीम रात को 10 बजे के बाद आके उस एंगल को ही तोड़ देती है, और सिर्फ उस एक एंगल को तोड़ दिया है क्योंकि उसके ऊपर भगत सिंह के विचार लिखे हुए थे और SFI के बोर्ड उसमें लगे हुए थे। और उसके साथ देखेंगे आप कि वहीं साथ में सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं, वहीं और प्रकार के एंगल लगे हैं, दूसरे संगठनों के बोर्ड लगे हैं, उन किसी बोर्ड को छुआ तक नहीं जाता है जो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक शक्या निशान पैदा कर देता है। उसी जगह से नगर निगम को तोड़ेगा, और जैसे जो समर हिल में जो बात कर रहे हैं कि वहाँ से होल्डिंग निकाली और नगर निगम की दुकानें थी, अगर नगर निगम ने ये एक्शन लिया है तो मतलब ये क्योंकि नगर निगम की दुकानें थी। हमारी SFI से भी बात हुई है कि नगर निगम की प्रॉपर्टी है, नगर निगम ही वहाँ अपना बोर्ड लगाएंगे, अपनी दुकानों पर स्वच्छ भारत का बोर्ड लगाएंगे। बाकी इनकी एक मांग ये थी कि जो वहाँ पर रेन शेल्टर है और दीवारें हैं जिसमें SFI AVP लिखा हुआ है, तो इनका इनका कहना ये है कि वहाँ पे जो है वाइट वॉश किया जाए। तो हमने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो वहाँ रेन शेल्टर है जो बहुत ही गंदा है उसमें भी वाइट वॉश किया जाए, जो साथ में जो रिटर्निंग वॉल है जिसमें SFI AVP लिखा हुआ है उन सबको मिला के वहाँ चूना किया जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां पर्यावरण बचाने के लिए छात्रों को पौधा लगाना जरूरी है। यही नहीं, विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि पढ़ाई के बाद उसी छात्र को डिग्री मिलेगी जो पौधे का संरक्षण सही ढंग से करेगा। HPU प्रशासन ने यह नई शर्त छात्रों पर लागू कर दी है। जून जुलाई में शुरू होने वाले नए सत्र से छात्रों पर दाखिले के बाद यह नियम शुरू हो जाएगा। यह पौधा HPU कैंपस या विश्वविद्यालय द्वारा चयनित की गई जगह पर लगाना होगा, साथ ही 3 से 4 साल तक उसकी देखरेख व संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी छात्र की होगी। सर, एक नई पहल HPU करने जा रहा है कि जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो पौधे लगाएंगे, सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा और किस तरह से एक जो योजना बनाई गई है। अब विश्वविद्यालय में जून में जो सेशन स्टार्ट होगा, एडमिशन से बच्चे लेंगे, उनके लिए हम कंपल्सरी कर देंगे कि प्रत्येक बच्चा हर एक डिपार्टमेंट का
चाहे 50 एडमिशन होंगी, 60 होंगी, 300 होंगी, हरेक बच्चे को एक पौधा लगाना होगा और जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसकी देखभाल करेगा और तब तक उसको डिग्री नहीं दी जाएगी जब तक वो पौधा नहीं लगाएगा और वो पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। सर कितने बच्चे अप्रोक्सीमेटली की हर साल एचपीयू में एडमिशन लेते हैं और कितनी उम्मीद आप करते हैं? ऑन एंड एवरेज 8,000 और 9,000 के बीच में। जो पौधे लगाए जाएंगे क्या वो एचपीयू कैंपस के अंदर होंगे? एचपीयू कैंपस में जहाँ जहाँ डीफॉरेस्टेशन है वहाँ पर प्रायोरिटी पे लगाए जाएंगे और फिर गवर्नमेंट से बात करके जहाँ गवर्नमेंट जो है वो स्पॉट बताएगी वहाँ पर हम बच्चे भेजेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय में एक जो नई पहल की गई है कि नए सत्र से जो भी छात्र अब दाखिला लेगा उसे एक पौधा लगाना पड़ेगा और खास बात ये है कि अब उस पौधे की देखरेख करने की जिम्मेवारी भी छात्र की ही होगी और डिग्री भी अब प्रदेश विश्वविद्यालय इसी शर्त पे देगा कि डिग्री पूरी होने तक वह पौधा बिल्कुल ठीक हो। तो विश्वविद्यालय प्रशासन का पर्यावरण को लेकर जो एक पहल की गई है ये काफी सराहनीय है। शिमला से दिव्य हिमाचल के लिए लविश चौधरी के साथ प्रतिभा चौहान की रिपोर्ट। ऐतिहासिक रिज पर अब घोड़ा मालिक सैलानियों से मनमर्जी के रेट नहीं वसूल पाएंगे। इसके लिए अब जल्द ही दौलत सिंह पार्क में रेट लिस्ट का बोर्ड व कैश काउंटर खोला जाएगा। घोड़ा मालिकों के साथ शुक्रवार को मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में घोड़ा मालिकों को राहत देने के लिए निर्णय लिए गए। दरअसल रिज पर घोड़ों की लीद को निगम के कर्मचारी उठाते हैं, उसके बदले में घोड़ा मालिकों से 10% शुल्क निगम को दिए जाने का निर्णय पिछली बैठक में लिया गया था, लेकिन इसका घोड़ा मालिक विरोध कर रहे थे। मालिकों का कहना था कि उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। ऐसे में घोड़ा मालिकों को राहत देने के लिए निगम ने निर्णय किया है कि अब निगम को दिए जाने वाला 10% हिस्सा घोड़ा मालिकों से नहीं बल्कि सैलानियों से ही वसूला जाएगा। क्या कुछ निर्णय हमारे लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये बैठक दीजिए कि आप ये घोड़े की लीद खुद उठाएंगे और आपका ये टैक्स लगा रहे थे 10%। तो कल साहब ने हमें चिट्ठी भेजी कि आप हमारे से मीटिंग करें और हमारे से बातचीत करें, तो यहाँ आज साहब से बातचीत होगी। उसके में साहब ने कहा कि ठीक है आपके 10% हम नहीं बढ़ाएंगे और आपका जो लाइसेंस फीस है सिर्फ हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे थोड़ी सी, यानी कि 500 रुपये साल का देंगे आप कॉर्पोरेशन की। के साथ आज हमने एक बैठक रखी थी क्योंकि हमने पहले भी इनके साथ एक बैठक रखी थी और इनके मुताबिक जो रेट इन्होंने हमें बताए थे कि हमें ये रेट लेते हैं टूरिस्टों से, तो वो रेट हमने हाउस से अप्रूव कर लिए थे। उसके लिए एग्री हो गए थे, तो हमने ये कहा था कि जो लिद नगर निगम उठाता है उसमें से जो है हम आपका 10% काटेंगे और जो हमने लेबर रखी है वो पेमेंट उनको करेंगे। इस पे घोड़े वाले एग्री नहीं हुए, तो आज हमने दोबारा इनके साथ मीटिंग रखी, फिर हमने इनको ये निर्णय लिया हमने कि गरीब लोग हैं और हम जो 10% या 5% जो लिद उठाने का वो हम टूरिस्ट ही लेंगे और लेकिन हम 25 जरूर काटेंगे और बाकी जो हमारे लिद वगैरह उठाने का जो हमारा मजदूरों का जो खर्चा होगा वो 10% या 5% हम टूरिस्ट ही लेंगे। हमारा ये निर्णय हुआ है, इससे घोड़े वाले सहमत है और बहुत खुशी। शिमला में जनता को फिर से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सुबह के समय शिमला में धुंध छाई रही, हालांकि दिन के समय धूप खिली, मगर शाम को फिर से आसमान में काले बादल घिरने शुरू हो गए थे। इस दौरान शिमला में ठंडी हवाएं भी चली जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शिमला का मौसम सैलानियों को खूब लुभा रहा है, सैलानी शिमला के मौसम के कायल हो गए हैं। दिव्य हिमाचल टीवी ने सैलानियों से बात की तो उन्होंने कहा कि शिमला का ठंडा मौसम रोम रोम को तरोताजा कर देता है। मेरा नाम पूजा मित्तल है, मैं नोएडा से आई हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हर जगह वो बर्फ ही बर्फ निकली है जो हमने कभी नहीं देखी, हाँ बस थोड़ा स्नोफॉल नहीं हुई उसका थोड़ा इंतजार था, बाकी बहुत अच्छा है सब कुछ, कल्चर खाना सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा लगा मौसम और मेरे दोनों बच्चे पहली बार आए हैं तो दोनों बेटियों ने बहुत एंजॉय किया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने फागली में बनाए गए हाईटेक क्लब की सुविधाओं का लाभ उठाने की चाह रखने वाली स्थानीय जनता को एक प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन किए जाने की सलाह दी है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग शिमला के XEN रोहित जोरवाल के अनुसार स्थानीय जनता की क्लब संबंधित मांगों को केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष एक मांग प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। वहाँ के लोकल हैं, जनता जो अपने आप को समझ रही है वो वंचित हो गए हैं इस चीज़ से,
वो अपनी साइड से एक प्रपोजल मान लीजिए या एक रिक्वेस्ट मान लीजिए जो मंत्रालय हमको पुट अप करे, हम उसको आगे मंत्रालय को भेज देंगे कि सर ये जो यहाँ फैसिलिटीज़ थी पहले आम जनता को मिल रही थी, अब आम जनता इससे अगर वंचित अपने आप को समझ रही है, वो चाहती है इस क्लब का पार्ट बनना, तो जो भी पहले हमारा आप कह रहे हैं कि क्लब के बनने से पहले जो भी सुविधाएं थी, जो भी एक सेटअप था, वो सेटअप वो चाहते हैं अभी भी हो, तो उसका एक फॉर्मल प्रपोजल आप मान लीजिए, एक आम जो भी वहाँ आपकी लोकल सोसाइटी है हमारी फागली की, वो एक प्रपोजल भेज सकती है, हम उसको आगे मंत्रालय को भेज। हेलो, शिमला के बाद हम थोड़ी ही देर में फिर हाजिर होंगे प्रदेश की अहम खबरों पर आधारित दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन के साथ, तब तक नमस्कार। और फिर कुछ दिनों बाद और थोड़ा कम, और अगर नमक कम करना है तो भी यही, खाना पकाते समय नमक की मात्रा आप धीरे धीरे कम करते जाइए, और ऊपर से सैलेड दही या फल पे नमक मत छिड़किए। चाय में चीनी लेते हैं, यानी कोई नहीं लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए, और कुछ दिन बाद